सायरा क्या हुआ किरण को? बाजार तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैंने इसे चेक कर लिया, नॉर्मल है। कह रही थी कि मुझे चक्कर आए हैं और मैं बेहोश हो गई इसकी वजह से। अच्छा, क्या किसी टेंशन या परेशानी की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं? नहीं अफशा, मुझे तो किरण की हालत देख के ये नहीं लगता कि इसका ब्लड प्रेशर लो होगा। अच्छा, कोई एहतियात मेडिसिन कुछ? फिलहाल दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर खुदा न खास्ता इसकी ये हालत दोबारा होती है तो फिर टेस्ट करवाने होंगे। अच्छा, घर पे हो आज? हाँ हाँ, आज मैं घर पर हूँ, ऑफ है। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर मुझे दोबारा जरूरत पड़ गई ना तो मैं जरूर तुम्हें तकलीफ दूंगी। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। तुम आखिर मेरी फ्रेंड भी हो और फिर पड़ोसन भी तो हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो, कोई चाय ठंडा वगैरह कुछ? नो थैंक्स, बस तुम किरण के पास बैठो, अब मैं चलती हूँ। अच्छा चलो, मैं फिर तुम्हें छोड़ तो आऊँ ना। अरे नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम किरण के पास बैठो। जी नासिर बेटा, मैं रशीदा बात कर रही हूँ, वो किरण के पड़ोस से। जी बोले। अफशा को पता चल गया है कि मैं तुमसे जाके मिली थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उस रिश्ते से मना कर दिया, मैं वहां शादी नहीं कर रहा। आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, उनकी गलतफहमी तुम ही दूर कर सकते हो। किरण तो राजी हो जाएगी, बस अपनी माँ की वजह से चुप है। और अफशा, वो तो मेरी दुश्मन हो गई है। और वो, मैंने ये फैसला अपनी जिंदगी के लिए किया, मुझे आप लोगों के मसलों से कुछ लेना देना नहीं है। बेहतर ये है कि आप मुझे कॉल मत कीजिए। किरण, बेटा उठो, सूप पी लो, शाबाश, थोड़ी ना एनर्जी आ जाएगी। सायरा ने कहा है कि ये जो तुम बेहोश हुई थी, ये कमजोरी की वजह से। अब मैं उसे क्या बताती कि ये कमजोरी नहीं है भाई, ये तो टेंशन है। पता नहीं अम्मी क्या हुआ था, आराम से बैठी हुई थी, एकदम से लगा कि जैसे ना मेरे हलक में कुछ फंस गया हो। सब कुछ दिख रहा था मुझे और एकदम से अंधेरा छा गया, समझ नहीं आया। जाहिर है बेटा, फवाद से ऐसी उम्मीद भी तो नहीं थी। फवाद से? फवाद आया था? फवाद कहां से आ गया? क्या कह रहा था वो? मुझे क्या पता बेटा, तुम ही तो बता रही थी। मैं बता रही थी क्या? मेरे ख्याल है इस हादसे की वजह से तुम्हारे दिमाग पे असर हो गए। तुम ये सूप पियो, ये लो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पीना सूप। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ और बताई जा रही है। क्या कह रहा था फवाद? कब आया? क्या हुआ? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे निकाला घर से। मुझे तो याद ही नहीं है कि फवाद आया था, और अगर आया भी था तो आपने उसे घर से निकाल दिया क्यों? बेटा, तुम ही तो कह रही थी, तुमने बताया था ना कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, तो फिर मैं क्या करती? नहीं अम्मी, बदतमीजी, हाथ पकड़ना,
अभी फवाद तो यहाँ आया ही नहीं है। खालिद मियां, खुशी हुई कि आप पुराने मोहल्ले में आ रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको सेहतमंद देखकर। आप तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ जी, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई है। या रूहानी इलाज करवाया था मैंने, उससे अल्लाह ने शिफा दी। ये रूहानी इलाज किससे करवाया आपने? खालिद मियां, तुम तो जानते हो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, मेरे कमर के मोरे खराब थे ना। जी जी, मुझे मालूम है। एक आमिर इरशाद साहब था, भाई उन्होंने दम किया, अल्लाह के करम से 6 निश्चितों में मैं चलने फिरने के काबिल हो गया। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी तासीर होती। बिल्कुल, इसमें क्या शुबा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे वो इरशाद साहब का कोई फोन नंबर वगैरह कोई एड्रेस बता सकते हैं? मुझे मिलना है उनसे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जब कहें आप। क्या अगर फिर उनको फोन करूं या ना करूं, क्या बात करूंगा? पता नहीं उसे पता भी होगा कि नहीं, लेकिन कैसे पता होगा, वो तो खुद दिलनवाज के जरिए असर थी। खुद ही अपनी अम्मी को समझा सकती है और कोई नहीं समझा सकता, लेकिन वो क्या बताएगी? उसे क्या पता ये सब क्या चक्कर है। वो तो दिलनवाज के बारे में कुछ जानती भी नहीं है। बेटा ये देखो, ये डब्बा नहीं खुल रहा मुझसे। फवाद, 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 कहाँ हो बेटा? ये डब्बा खोल दो मुझे। किसे देख रहे हो तुम? जी फिर किसे देखे? अच्छा, मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगे? हाँ जी जी। क्या हो गया किरण, तुमने मुझे इस वक्त नहीं एमरजेंसी में क्यों बुलाया? क्यों, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। नहीं, अंदर नहीं जा सकते, अंदर अम्मी है, बात यहीं करनी है। तो बोलो। मैं सच कह रही हूँ खालिद, फवाद बाहर बैठा सहन में ऐसे घूर रहा था जैसे वो मनहूस चुड़ैल उसे नजर आ रही हो। देखो, एक सिरा मिला तो है, चाहता हूँ कल बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इस मुसीबत से जल्दी जान छूट जाए। हमारे घर का माहौल बहुत खराब हो गया खालिद, एक अजीब सा खौफ रहता है। मैं समझती थी कि वो भूत बंगला छोड़कर हम यहाँ सुकून से रहेंगे, मगर नहीं, यहाँ की फिजा में बहुत भारीपन है। बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारा घर सर्द है और बहुत तारीख भी हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है खालिद, अब क्या होगा? प्लीज खालिद, कुछ करें आप।
अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत नाम सुना है मैंने उनका, शम साहब बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी, देखता हूँ। हमारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुमने यहाँ इतनी रात गए मुझसे ये बातें करने के लिए मुझे बुलाया? तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि अम्मी को नहीं बता सकती। अगर अम्मी को ये बात बताती कि मुझ पे किसी जिन ने कब्जा कर लिया था तो वो तो पागल हो जाते। यार अगर ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करती, हम डिस्कस करते, लेकिन अब ये जिन भूत की बातें, मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ यार? जो भी बातें अम्मी ने मुझे उस दिन के बारे में बताई हैं उससे तो यही साफ जाहिर होता है कि उस धागे की वजह से वो फवाद तक नहीं पहुंच सकी, इसीलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। वो अम्मी का दिल खराब करना चाहती है फवाद के लिए, अब वो मेरे और फवाद के बीच में आ गई है। देखो अगर तो ये बात सच है तो ये बहुत खतरनाक बात है, तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी अम्मी से डिस्कस करो और इस घर से कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें फवाद को भूल जाना चाहिए। नहीं निदा, अब नहीं, अब चाहे वो जो भी कर ले, अब मैं फवाद का साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा हुआ निदा बेटा तुम आ गए, कम से कम किरण का दिल तो बहल जाएगा। आंटी मैं और मेरी अम्मी बहुत अपसेट हैं, किरण बहुत हिम्मत वाली है जो ये सब सह गई, अगर इसकी जगह मैं होती तो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं बेटा मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। मैं हाथ धोकर आती हूँ। किरण बेटा बैठो ना, खाना तो खा लो। देखा तुमने क्या हालत बना ली है इसने दो दिन में अपनी। ठीक, मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने नासिर की क्लास क्यों नहीं ली। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो वो ये बात मेहंदी तक लाया ही क्यों, पहले इनकार कर देता। अरे बेटा उस मनहूस ने तो मेहंदी की रात से पलट के पूछा तक नहीं, ऐसा गायब हुआ है और अब भला क्या बात। देखो उसने जो करना था ना वो तो कर दिया। आंटी आप हिम्मत से काम लें, परेशान नहीं होइए, सब सही हो जाएगा। अच्छा तुम खाना तो खाओ ना बेटा, खाना खाओ।
फवाद कैसे हो तुम? तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। जो कुछ तुम्हारी माँ और तुमने मेरे साथ कर दिया है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अंदर ना मुझे फोन करना और ना ही मिलने का कहना। नहीं फवाद मेरी बात फवाद हेलो हेलो किरण आई एम मी तौसीफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं मिलेंगे जहां हम पहली बार मिले थे। अल्लाह हाफिज़। मैं समझा था शम्बस भाई कि आप मुझे शायद किसी आमिल की दरगाह कोई आस्ताना कोई इस तरह की चीज होगी। तो आबिद मियां पहली मरतबा मेरी भी ऐसी तासरत थी। शाह साहब एक नौजवान पढ़ा लिखा आदमी है, जॉब करते हैं, बीवी बच्चे हैं, बस अल्लाह जिसके हाथ में शिफा दे। ये तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ रखिए। कैसी तबीयत है अब आपकी? कमर का दर्द सही है? दवा वा ले रहे हैं वक्त पे? आपकी दुआओं से अल्लाह का बड़ा करम है। ये खालिद साहब हैं मेरे पड़ोसी। कुछ चाय पानी वगैरह? नहीं बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आप? खालिद साहब अपने बेटे का मसला लेकर आए। इनका कहना है कि इनके बेटे के पीछे चुड़ैल पड़ गई है। मैंने इनसे कहा था आप सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का रूहानी इलाज करते हैं, पर ये कहने लगे कि पूछने में क्या हर्ज है। चुड़ैल? खालिद साहब आजकल के जदीद दौर में चुड़ैल का जिक्र मजाक का हिस्सा लगता है। और जिन बरक है कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है, लिहाजा इसके वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते। आप ठीक कह रहे हैं शाह साहब, मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। मैं यही सोचता था कि ये भूत प्रीत जन्नात परियां सब कहानियां हैं, इनका कोई वजूद है, जो कि यकीनन है क्योंकि कुरान में जन्नात का जिक्र, तो कम से कम हमारे इर्द गिर्द नहीं, कहीं अलग कोई अलग सी दुनिया है जहां ये रहते हैं। लेकिन फिर आपको यकीन करना पड़ता है क्योंकि आप आंखों देखा और कानों सुना झुठला नहीं सकते। सुमन देखा है शाह साहब? खुद देखा है। मैंने अपने बच्चे को उस कर्ब में उस तकलीफ में देखा, बहुत परेशानी देखी है मैंने। वो ये कहता है कि उसकी किसी जिनजादी से शादी हो गई, मेरी बीवी ने बहुत भाग दौड़ की, कभी इसके पास कभी उसके पास। वो कहीं से एक 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 धागा लेकर आई, दम दम किया हुआ धागा, और जो ही हमने वो धागा अपने बेटे की कलाई पर लपेटा, बेहतर हो गया वो। हमें लगा जैसे उसके शहर से बाहर आ गया। लेकिन शाह साहब, वो जो कोई भी है, वो कोई परी है कोई जिनजादी है,
वो बेटे का पीछा नहीं छोड़ती, छोड़ना नहीं चाहती। आप 2 मिनट तशरीफ रखें, मैं हाजिर हूं। जा रहे हो बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आज से ड्यूटी ज्वाइन करूँ। तो नाश्ता कर लो ना बेटा, कुछ खा लो थोड़ा सा। नहीं, वो भूख नहीं है और वैसे भी लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। मैं नजमा के घर चली जाती हूँ। हाय अल्लाह, अपने घर में अकेले रहने से भी डर लग रहा है, क्या करूँ, चली जाती हूँ। अजीब सा लगता है शबाज साहब, लेकिन वाकई सच में सब कुछ मैंने देखा। इंशाल्लाह हल भी हो जाएगा। तशीफ ये लीजिए खाली साहब, ये अगरबत्ती हैं, इन्हें अपने घर के दोनों कोनों में लगा दीजिएगा और जला दीजिए, और जब ये आधी रह जाए तो अपनी शहादत की उंगली से बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने इसे बुझाना है। लेकिन याद रखिए, ये पानी से नहीं बुझानी, दीवार पे या ज़मीन पे मस करके नहीं बुझाएंगे आप, शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से इसे बुझाना है। और कल सुबह इसी लिफाफे में रख के इसे मेरे पास ले आएंगे आप। ये तावीज़ अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दीजिएगा, और सुबह जब ये अगरबत्तियाँ लेकर आएंगे तो उसके साथ ये तावीज़ भी ले आइए, फिर मैं आपको कुछ बता सकूँगा। शाह साहब, क्या वाकई इनके बेटे पर चुड़ाना शिकवा हुई है? शम साहब, मैंने कोशिश की थी कि कुछ नज़र आ जाए, लेकिन अभी सामने गुबार है। ये अमल करके ले आएंगे तो फिर ही मैं कुछ कह सकूंगा। शाह साहब, इसका कोई हदिया? खालिद साहब, अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त है। खालिद साहब, मैंने कहा था ना, शाह साहब कुछ नहीं लेते, बस दुआओं के लिए कहते हैं। पता नहीं हम गुनाहगारों की दुआओं का ये क्या करते हैं। शम साहब, दुआ दुआ होती है, जिसकी कबूलियत का शर्फ सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। न जाने कब किसके मुंह से निकली दुआ वो मान ले, ये मेरा परवरदिगार ही जानता है। इजाजत लें। जज़ाकअल्लाह शाह साहब, अल्लाह खुश रखे आपसे। बहुत शुक्रिया, मैं कल हाजिर होता हूँ। जी बिल्कुल। आ गए साहिब। जानता था कि तुम यही होगी।
दिलनवाज को बाप की राह देखने सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि किरण से दूर रहो। तुम्हारी लड़ाई नाराजगी जो कुछ भी है सिर्फ मुझसे है। किरण का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है दिलनवाज। ये सब उसकी वजह से हो रहा है। मेरे और आपके दरमियान वो आई है, सारा कसूर उसका है। क्वास बंद करो अपनी। तुम आई हो हम लोगों के दरमियान, तुमसे पहले से उससे मोहब्बत करता और करता रहूंगा। फासल, कमाल कर दिया। मियां बीवी के रिश्ते के दरमियान वो आई, भूल गए जब इस घर में आए थे तो वो आपको ठुकरा चुकी थी, किसी और से शादी कर रही थी वो। मैं बहस करने नहीं आया तेरे पास, मैं तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ कि किरण से दूर रहो। ये तो आप समझो ना साहिब, दे दो अपने दिल में जगह, उतार के फेंक दो ये मनहूस धागा, अपने कदमों में बैठा, फिर मुझे किरण से कोई फर्क नहीं होगा। दिलनवाज, शादी तो मैं किरण से ही करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। जिनजादी हूँ साहेब, इंसान नहीं जो शौहर की दूसरी शादी पर रोध होके चुप होके बैठ जाऊं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। पहली बीवी की खुशी और उसकी बगैर इजाजत के शौहर दूसरी शादी नहीं कर सकता। वाह भाई, पहली बीवी, खुशी, मर्जी, दूसरी शादी, निकाह हुआ था ना हमारा, हुआ था ना दिलनवाज निकाह, तलाक भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है ना दिलनवाज। ये बात तो आप समझो ना साहब, क्यों उस बेचारी किरण के पीछे पड़े हो, क्या कसूर है उसका इसमें, उसके साथ ऐसा मत करो साहब। दिलनवाज, अगर किरण को कुछ भी हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा, मुझे नुकसान पहुंचाते मुझे हासिल नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, क्योंकि दिलनवाज आपको तो खो सकती है लेकिन आपकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मत करना प्लीज, मेरी मजबूरी है साहिब। अगरबत्ती जलाने से क्या वो नहीं आएगी? एक लम्हे को खामोश हो जाओ तुम। अच्छा मुझे कुछ बताएं तो सही, क्या कहा उन्होंने? अभी कुछ नहीं कहा, उसने कहा है कि अभी फिलहाल अगरबत्तियां जला के आओ, वापस लेके आना मेरे पास, फिर बताऊंगा क्या मदद कर सकता हूँ।
तो उन्होंने कोई तावीज नहीं दिया फवाद को वापस बुलाने के लिए? दिया है ना उसके तकिए के नीचे रखने के लिए, आज रात को रखेंगे, कल तावीज भी, अगर बत्तियां, दोनों चीजें वापस लेके जानी है। आप खामोश हो जाओ बिल्कुल। खालिद साहब मेरी बात तो सुने, आप जा करें। क्या बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं? बुजुर्ग नहीं है, जवान जहान आदमी, पढ़ा लिखा, ऑफिस में काम करता है। शम्स साहब बहुत तारीफ कर रहे थे, बल्कि वो तो शम्स साहब से उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही एहतराम से बात कर रहे थे वो। लेकिन आप तो कह रहे थे कि वो बीमारों का इलाज करते हैं। खालिद हमारा बेटा बीमार तो नहीं है यार? दो मिनट के लिए खुदा का वास्ता है, जबान को मुंह में बंद कर लो यार, मुझे मैं भूल जाऊंगा, मुझे अमल तो कर लेने दो। हे, आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं? हाय अल्लाह, उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए तुम्हें दिया है? अगली बार उनके पास गया ना तो तुम्हारी जबान बंदी के लिए कोई ना कोई तावीज जरूर लेके आऊंगा। अपने लिए भी एक तावीज ले आना, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा हुआ फवाद घर पे नहीं है, शाह साहब ने कहा था कि उसके इल्म में ना आए और उसके तकिए के अंदर तावीज रखना। फवाद का अस्पताल से आने का टाइम हो रहा है, आप जल्दी कर लें। आज वो क्या क्यों है वैसे? भाई डॉक्टर अमजद ने तो कहा था कि मंडे से आना, आज तो संडे है। अरे हाँ आज तो संडे है, वो लड़का मुझसे सीधे मुंह बात करे तब मुझे पता चले ना। अच्छा आप जल्दी कर लें, मुझे लगता है कि वो आ गया। हाँ। चले आप जल्दी से करें, मैं उसे देखती हूँ। हेलो, रोजनामा रहबर। तौसीफ साहब हैं, उनसे बात हो सकती है? जी तौसीफ तो अभी नहीं है। नहीं आए? वो तो शाम को ही ऑफिस आते हैं ना, उन्होंने बताया था कि अखबार का काम शाम में शुरू होता है। बिल्कुल बीबी, वो शाम में आते हैं मगर आज उन्होंने ऑफ किया था, उन्हें अस्पताल जाना पड़ गया। अस्पताल? खैरियत तो है? जी उनका फोन आया था, उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब है।
नाश्ते का टाइम नहीं है। फवाद कहाँ है? वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रहा है। बस वो निकल जाए तो मैं अगरबत्तियां और तावीज लेके जाता हूँ इरशाद शाह की तरफ। आज मैं ऑफिस नहीं जा सकूंगा, छुट्टी करनी पड़ेगी। ये रख दो फाइल। अच्छा, मेरा ख्याल फवाद जा रहा। हाँ, मैं उसे खुदाफिज कह के दरवाजा बंद करती हूँ। अगरबत्तियां कहाँ रखी हैं? ये रखी हैं। ये ले। चाय पी ली आपने? नहीं, चाय नहीं पीनी है। 11 बजे का कहा है उसने, 11 बजे पहुंचना है, बहुत लेट हो रहा हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे नहीं ना बाबा, वहाँ तरह तरह के लोग आए होते हैं। मैं बस आ रहा। अकेले घर में मुझे नहीं रहना।